हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोगों के पास 891 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं फॉर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट की हम बात करेंगे तो 19th of September स्टार्टिंग डेट बताई गई है और 19th of October जो है वो लास्ट डेट रहेगी इसकी फ्रेंड्स। और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो है आप लोगों का होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी अनरिजर्व और जनरल वालों के लिए 357, EWS के लिए 89 वैकेंसी, OBC वालों के लिए 241 और SC वालों के लिए 187 और ST के लिए 17 वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल 891 वैकेंसी। तो काफ़ी अच्छा मौका है, परमानेंट जॉब होने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो पोस्ट नेम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, यहाँ कैंडिडेट्स मस्ट हैव ITI इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ एज लिमिट भी बताई गई है आप लोगों के लिए। द एज लिमिट इज़ गिवन बिलो द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड फॉल इन दिस रेंज। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स बताई गई है और 40 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट रूल जो है वो मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेजेस, रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों का बस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो ज़्यादा है 1180 जनरल OBC EWS अदर स्टेट वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 826 रखी गई है। तब भी फिर भी ज़्यादा है, यहाँ पे फ़ीस जो है इन्हें कम करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में।